ओंटा साहिब वन क्षेत्र और कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क में बाघ के पैरों के निशान मिलने से हिमाचल और उत्तराखंड वन्य जीव विभाग उत्साहित है। यहाँ उत्तराखंड के वन्य जीव विभाग ने वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग दी। देहरादून से आए वाइल्ड लाइफ विभाग के वेटनरी अधिकारी डॉक्टर राकेश नौटियाल ने पोंटा वन मंडल और कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के अधिकारियों और कर्मचारियों को बाघ की मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी दी। इस दौरान टीमों ने पोंटा वन मंडल और कनक शेरजंग नेशनल पार्क में बाघ की गतिविधियों का पता लगाने के लिए कैमरे भी इंस्टॉल किए हैं। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से पोंटा साहिब में पहले हाथियों के झुंड और अब टाइगर पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में पोंटा साहिब ऐसा स्थान बन गया है जहां पर हाथी और बाघ पहुंचे हैं। हालांकि हाथी पिछले एक दशक से यहां पर चहलकदमी कर रहे हैं, मगर बाघ की आमद पहली बार दर्ज की गई है। पोंटा दून घाटी के वन क्षेत्र और कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान में कई जगह बाघ के पगमार्ग मिले हैं। बाघ की उपस्थिति दर्ज होने पर वन विभाग और वन्य जीव विभाग उत्साहित है, लिहाजा दोनों विभाग बाघ की आवाभगत के इंतजामों में जुट गए हैं। साथ ही वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के वन्य जीव विभाग के वेटनरी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश नौटियाल और उनकी टीम ने पोंटा साहिब में वन विभाग और वन्य जीव विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग ट्रेनिंग भी दी। इस बात पर भी मंथन हुआ कि आखिर उत्तराखंड से हाथी और बाघ हिमाचल क्यों आ रहे हैं। राकेश नौटियाल ने बताया कि सबसे पहले बाघ की लोकेशन और गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी, इसके लिए ट्रैकिंग कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ से हमने राजाजी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स बुलाए ताकि वो हमारा जो फील्ड स्टाफ है और जो वाइल्ड लाइफ का स्टाफ है हिमाचल प्रदेश का, उसको ट्रेनिंग दे सकें कि यहाँ पहले ट्रैकर साइट हुआ है, अब आगे हमें फ्यूचर में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके जानकारी में यहाँ आज एक छोटी सी ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज कराई और उसी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे 10 to 15 कैमरा ट्रैप सेट करने वाले हैं जो कि टेरिटोरियल डिवीज़न और वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के अंडर होंगे। आज जो है ये यहाँ पर जो है जैसे एलिफेंट और टाइगर की प्रेजेंस देखी जा रही है, तो ख़ास तौर पे जब यहाँ से अभी समाचार पत्र और लोगों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि यहाँ पे जो है वो टाइगर की प्रेजेंस है, तो हम लोग जो हैं वो हिमाचल के जो हमारे पोंटा साहिब के लोग हैं इनको जो है वो ट्रेनिंग देने आए हैं कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी और यदि वो टाइगर है और कैसा है क्या है, तो उसमें कैमरा ट्रैप और डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइन की ट्रेनिंग देने यहाँ आए हैं और फील्ड में भी जाके उसको जो है दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, पिछले कई सालों से हाथी आ रहे हैं, अब टाइगर भी आया है राजाजी नेशनल पार्क से, क्या कारण आप मानते हैं इसके? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो फ्रेगमेंटेशन जो फॉरेस्ट का हो रहा था उसकी वजह से मूवमेंट कम था। इसको यदि हम कहें तो ये एक पूरा तराई आर्कलैंड है। ये तराई आर्कलैंड में एलिफेंट और टाइगर, एलिफेंट खास तौर पर यहाँ से लेके और नेपाल तक जाता है। तो अभी हमारा जो मोतीचूर में जो कॉरिडोर बना है, तीन पानी और लाल तप्पड़ में जो ओवरपास बने हैं, अंडरपास बने हैं, उन अंडरपास से जो है अब जो है वो एलिफेंट और जो टाइगर है वो आ रहा है। और अभी कुछ समय पहले जो है हमारे ईस्टर्न राजाजी से वेस्टर्न राजाजी में एक टाइगर नोटिस हुआ था, तो संभवतः हो सकता है कि वो टाइगर एक्सप्लोर कर रहा हो और वो यहाँ तक आ गया हो एक्सप्लोर करते करते। चूँकि और जब हमने इसको देखा तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे राजाजी से। तो संभवतः हो सकता है कि जो टाइगर हमारे यहाँ, जिसने ईस्टर्न राजाजी से वेस्टर्न में आया हो, वो टाइगर की संभावना हो सकती है। तो उसी का ही लिए आज हम लोग जो है यहाँ पे कैमरा ट्रैप और डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइन के लिए जो है इन लोगों को ट्रेन करेंगे और साथ में कैमरा ट्रैप लगाएंगे और इनको जो है उसके लिए ट्रेन भी करेंगे और जानकारी भी देंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ इन जंगलों में ये परमानेंट रूप से रहे हाथी और टाइगर, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो सबसे बढ़िया जो बात है वो ये है कि जंगलों का फ्रेगमेंटेशन रुके। उनके लिए वहाँ जंगलों में जो है अंदर यदि व्यवस्था अच्छी होगी, पानी की व्यवस्था होगी जंगलों में और जंगलों में उनके खाने की व्यवस्था होगी, तो वो स्वयं ही रुकेंगे। परंतु हमको जो बढ़ती हुई आबादी है और जिस तरीके से जंगलों की तरफ बढ़ रही है, या जंगलों पे जैसे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यदि हम उनको करेंगे, तो एनिमल जो है वो फिर बहुत शाही होता है टाइगर, वो जो है वो यहाँ रुकेगा नहीं। और यदि वो यहाँ आ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, इसका मतलब वो जो है उसको यहाँ की आबोहवा ठीक लगी होगी, तो इसी वजह से वो यहाँ पे रुकने के लिए सोच रहा है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पोंटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट।
इस बार 26 जनवरी होगी कुछ खास। आपकी मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है 26 जनवरी स्पेशल ऑफर, ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। उच्चतम माइलेज व न्यूनतम मेंटेनेंस खर्च, अभी खरीदने के लाभ। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 1808072 पर।